Hello guys, and welcome back to another video from my YouTube channel, that is Vipin Sharma Biology Tutorials. And today we are going to talk about different kind of things such as structural organization of proteins. So simply today we are going to talk about the structure of proteins. We have studied amino acid ke baare mein padh liye, aur humne proteins ki jo general functions the aur general jo structure tha, the formation of peptide bond, unke baare mein hum padh chuke hain in the last two lectures. Agar aapne wo lectures nahi dekhe to aap jaake dekh sakte hain. Today we are going to talk about the structural organization of protein. Protein कितने टाइप से बन सकता है, इसकी टाइप्स क्या क्या हैं और किस लेवल की ऑर्गेनाइजेशन इसमें हो सकती है, उस सब के बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट. सो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, कल के लेक्चर में हमने बात की थी दैट ऑल प्रोटीन्स आर हेटेरोपॉलीमर्स. हेटेरो मीन्स हैविंग डिफरेंट यूनिट्स, राइट, एंड पॉलीमर्स दैट इट इज मेड अप ऑफ मैनी मोनोमेरिक यूनिट्स. और प्रोटीन्स का मोनोमर कौन है? अमीनो एसिड. यानी कि अमीनो एसिड की कंडेंसेशन रिएक्शन से, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन से बनते हैं अलग अलग तरीके के प्रोटीन्स विच आर हेटेरोपॉलीमर्स बिकॉज डिफरेंट काइंड ऑफ अमीनो एसिड्स आर इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स. ओके, सो हम जब पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो सब में स्ट्रक्चर को डिफाइन करने की जो वे है वो अलग अलग है. सो देर आर डिफरेंट स्ट्रक्चर टेलिंग वे. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम बात करते हैं सिर्फ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की. अगर हमने कह दिया NaCl तो उसी टाइप से हम उसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं, Na एंड सिंगल बॉन्ड Cl, MgCl2. तो जैसा फॉर्मूला वैसा ही स्ट्रक्चर. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं. फॉर एग्जांपल बेंजीन, तो बेंजीन हमने कुछ इस तरीके से बनाई बेंजीन, राइट. तो ऐसे हम किसी पर्टिकुलर कंपाउंड के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, सच एज नेफ्थलीन. सो दीज आर द टू डायमेंशनल थिंग्स, राइट. वी आर टॉकिंग अबाउट द टू डायमेंशनल फॉर्मूलाज. उसके बाद अगर हम बात करें फिजिक्स की, तो फिजिक्स इज ऑल अबाउट 3D. हम किसी भी चीज़ को, किसी भी केस को 3D में एज्यूम करते हैं और उसके बाद हम किसी भी चीज़ को 3D में ड्रॉ करके देखते हैं. सो द स्ट्रक्चर दैट वी कॉल इन फिजिक्स इज 3D स्ट्रक्चर्स. लेकिन बायोलॉजी में हम चार लेवल्स की बात करते हैं. इफ यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, देन वी हैव टू गो थ्रू डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्रोटीन ऑर्गेनाइजेशन. और प्रोटीन अलग अलग लेवल्स पे जब ऑर्गेनाइज होता है तो उसके मेन जो लेवल्स हैं वो चार हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वार्टरनरी. तो प्रोटीन स्ट्रक्चर इज वेरी कॉम्प्लेक्स, उसको समझने के लिए इसकी चारों ऑर्गेनाइजेशन लेवल को समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर. प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है? लीनियर अरेंजमेंट ऑफ अमीनो एसिड फ्रॉम एन टर्मिनल टू सी टर्मिनल. कल हमने बात की थी कि लेफ्ट में जो अमीनो एसिड रहेगा दैट इज एन, एंड राइट में जो अमीनो एसिड रहेगा दैट इज सी टर्मिनल. मतलब कि लेफ्ट साइड में एन टर्मिनल रहेगा किसी अमीनो एसिड का और राइट साइड में सी टर्मिनल रहेगा. ये दोनों जुड़े हुए होंगे वाया द पेप्टाइड बॉन्ड. सो व्हेन मैनी अमीनो एसिड्स, यू नो, व्हेन मैनी अमीनो एसिड्स आर लिंक्ड वाया पेप्टाइड बॉन्ड्स इन अ लीनियर अरेंजमेंट फ्रॉम एन टर्मिनल टू सी टर्मिनल, जो कि ऑब्वियसली इनकी कन्फर्मेशन होती है, हम एन से सी के तरफ ही लिखते हैं इनको. तो एन से सी की तरफ जाते टाइम अमीनो एसिड्स की जो लीनियर अरेंजमेंट है एंड देयर लिंकिंग वाया पेप्टाइड बॉन्ड, उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को हम कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर. तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ज़्यादा पढ़ने का नहीं है, ये सिर्फ एक लीनियर अरेंजमेंट है. अगर मैं कहूँ कि ये एक सीधी लाइन है और इसके ऊपर अलग अलग अमीनो एसिड्स लगे हुए हैं, देन दिस इज गोइंग टू बी द प्राइमरी स्ट्रक्चर. ओके, तो हम बात करते हैं अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर की. सेकेंडरी स्ट्रक्चर दो तरीके के हो सकते हैं, वन इज अल्फा हेलिकल एंड द सेकेंड वन इज बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर. अल्फा हेलिक्स, अल्फा हेलिक्स राइट हैंडेड हेलिक्स की तरीके से होगा. मैं आपको इस पर्टिकुलर स्लाइड में आगे दिखा दूंगा कि अल्फा हेलिक्स कैसे दिखते हैं. सो अल्फा हेलिक्स जो होंगे वो मोस्टली राइट हैंडेड होते हैं. हमारी बॉडी में जो प्रोटीन है उनमें जितने भी अल्फा हेलिसेस पाए जाते हैं वो सारे के सारे राइट हैंडेड फैशन में कॉइल होते हैं. ओके, और बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर, दीज टू आर द सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन. अगर हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करें तो दो तरीके के हो सकते हैं, वन इज अल्फा हेलिकल जो कि हमेशा राइट हैंडेड हेलिक्स होगा, एंड द सेकेंड वन इज बीटा प्लेटेड जो कि शीट्स के फॉर्म में होगा, बीटा प्लेटेड शीट्स. ओके, तो ये कब बनते हैं? जब प्राइमरी स्ट्रक्चर फोल्ड हो जाता है. फॉर एग्जांपल दिस इज अ पर्टिकुलर प्राइमरी स्ट्रक्चर, ये जब फोल्ड होकर एक हेलिक्स बना लेगा या फिर एक पर्टिकुलर शीट बना लेगा टू डायमेंशन में. ये बात याद रखना बहुत ज़रूरी है कि जब एक पर्टिकुलर प्राइमरी स्ट्रक्चर टू डायमेंशन में हेलिक्स या फिर शीट की फॉर्मेशन कर देगा, यानी कि अल्फा हेलिक्स या फिर बीटा शीट, देन दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर विल बी नोन एज द सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स. ओके, फॉर एग्जाम्पल केराटिन, हमारे हेयर्स में पाए जाने वाला प्रोटीन, हमारे नेल्स में पाए जाने वाला प्रोटीन, ये जो सारे प्रोटीन्स हैं दीज आर जनरली ऑफ सेकेंडरी लेवल. तो सेकेंडरी लेवल के होते हैं वो प्रोटीन्स. अब बात करते हैं टर्शरी लेवल की. टर्शरी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो जब कोई लॉन्ग प्रोटीन
chain. जब किसी लॉन्ग प्रोटीन की चेन फोल्ड अपॉन इट्सेल्फ, व्हेन सम चेन इज गोइंग टू फोल्ड अपॉन इट्सेल्फ, यानी कि जब कोई कॉम्प्लेक्स चेन है अमीनो एसिड्स की, वो जब खुद पे ही फोल्ड हो जाए तो बहुत ही ज्यादा जम्बल्ड अप स्ट्रक्चर बना लेती है, लाइक अ हॉलो वुलन बॉल. आप सबने ऊन के गोले देखे होंगे, उन ऊन के गोलों की तरह अपने ऊपर ही कई बार लिपट जाती है एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड चेन टू फॉर्म अ थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज द थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर विच इज नोन एज द टर्शरी स्ट्रक्चर और टर्शरी लेवल ऑफ प्रोटीन ऑर्गेनाइजेशन. और ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है बायोलॉजिकल एक्टिविटीज के लिए. जितने भी एंजाइम वर्क करते हैं मोस्टली वो 3D स्ट्रक्चर यानी कि टर्शरी स्ट्रक्चर में ही वर्क करते हैं, क्योंकि 3D स्ट्रक्चर जब ऐसे ऐसे करके कोई 3D स्ट्रक्चर बनेगा अलग तरीके का, तो इनमें लूप्स बन जाती हैं, और उन लूप्स में अलग मार्कर से दिखाते हैं, और उन लूप्स में अलग तरीके के रिएक्शंस होते हैं. ओके, सो जो डिफरेंट काइंड ऑफ लूप्स बनेंगे अलग अलग तरीके के जम्बल्ड अप स्ट्रक्चर में, कुछ इस तरीके का होता है टर्शरी स्ट्रक्चर. इन जम्बल्ड अप स्ट्रक्चर्स में जब अलग अलग तरीके की लूप्स बनेंगी, तो वो पर्टिकुलर एंजाइम या फिर प्रोटीन जो होगा वो बायोलॉजिकली एक्टिव होगा. राइट, बायोलॉजिकली एक्टिव होगा, इसका मतलब ये है कि बायोलॉजिकल एक्टिविटीज में यूज होने वाली जो कंफर्मेशन है प्रोटीन की, दैट इज 3D, या फिर हम कह सकते हैं टर्शरी. ओके, तो अगर हमसे कोई पूछ ले कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर और विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द बायोलॉजिकल एक्टिविटीज, तो हमारा आंसर होना चाहिए टर्शरी स्ट्रक्चर. इसका एग्जाम्पल होता है मायोसिन. ओके, सो ये एक 3D स्ट्रक्चर है. ये कब बनेगा? जब कोई पहले से कॉम्प्लेक्स चेन जो है सच एज अल्फा हेलिक्स बीटा प्लेटेट, जब वो खुद के ऊपर ही कॉइल हो जाए, एक बहुत ही ज़्यादा हैपजल्ड लाइक स्ट्रक्चर बना ले, बहुत ही ज़्यादा पजल्ड, बहुत ही ज़्यादा गुथा हुआ स्ट्रक्चर बना ले, लाइक अ वुलन बॉल, तो उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को हम कहेंगे टर्शरी स्ट्रक्चर, विच इज यूजुअली इंपॉर्टेंट फॉर द बायोलॉजिकल एक्टिविटी. ओके, तो वो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल होता है बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए. अब हम देखते हैं अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर विच आर गिवन इन NCERT, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर थोड़ी नज़र फिराएं. ये एक पर्टिकुलर प्राइमरी स्ट्रक्चर है जो मैंने अभी ड्रॉ किया है, फ्रॉम एन टर्मिनल टू सी टर्मिनल. लेफ्ट में होता है एन टर्मिनल, अगर ऐसे बना रहा हूँ मैं तो लेफ्ट में होगा एन टर्मिनल और दूसरी साइड में होगा सी टर्मिनल. ओके, तो इस प्राइमरी स्ट्रक्चर को जब कॉइल कर देते हैं हम, ये राइट हैंडेड कॉइल है, देखिए ये राइट हैंडेड ऐसे जा रही है कॉइल. सो दिस इज राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स. ये जो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं ये अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर है, एंड अल्फा हेलिक्स इज अ काइंड ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर. राइट, सो अ सेकेंडरी स्ट्रक्चर दैट इज जनरली राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स. ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स, अगर कोई आपसे पूछ ले तो. और जब ये पर्टिकुलर अल्फा हेलिक्स अपने ऊपर ही कॉइल हो जाएगी और एक बहुत ही ज्यादा पजल्ड स्ट्रक्चर बना लेगी, यू कैन लुक एट दैट, दिस इज अ थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर, देयरफॉर दिस इज अ टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन विच इज फॉर्म्ड When the alpha helix or beta plated sheets coil upon themselves, जब वो अपने ऊपर ही coil हो जाएंगी, खुद में ही इतनी ज़्यादा गुथ जाएंगी कि बहुत ही ज़्यादा puzzled structure बन जाएगा, that particular three dimensional structure will form some loops into them, right? Which are important for biological activity. These are loops. We can see that these are loops, right? So this is the secondary and tertiary structure of proteins respectively. Now we are going to talk about the quaternary structure as well as we are going to take an overview of all the structures. एक particular diagram दिया हुआ है NCERT में, उसके बारे में मैं आपको important चीज़ें बता देता हूँ. ये diagram generally समझ में नहीं आता. ये diagram है एक particular alpha helix का, this is a right handed alpha helix, अगर हम इस पर गौर फरमाएं तो this is N terminal, N लिखा हुआ है यहाँ पे, and this is C terminal, यहाँ पे C लिखा हुआ है. okay, तो NC यहाँ पे लिखा हुआ है, it means this is a right handed alpha helix which is a secondary type of protein. इसके अंदर हम इस पर्टिकुलर एरिया को अगर देखें तो इसमें 4 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट हैं. अगर कोई आपको ये सारी स्ट्रक्चर्स दे दे, कल हमने स्ट्रक्चर की बात करी थी तो हमने सीरीन का स्ट्रक्चर देखा था जहाँ पे R ग्रुप है CH2OH, देन हमने सिस्टीन का स्ट्रक्चर देखा था CH2SH, देन दिस इज टायरोसिन जहाँ पे फिनॉल ग्रुप अटैच्ड है CH2 से, एंड दिस इज ग्लूटामिक एसिड. एसिड का मतलब एक एक्स्ट्रा COOH ग्रुप है यहाँ पे, विच गिव्स इट द एसिडिक प्रॉपर्टीज. ओके, क्योंकि COOH ग्रुप इज हाइड्रोजन डोनर, तो इट एक्ट्स एज एन एसिड. तो इन पर्टिकुलर जो अमीनो एसिड है इनका सीक्वेंस याद रखना बहुत जरूरी है. कोई अगर आपको डायग्राम दे दे और आपसे पूछ ले कि कौन कौन से अमीनो एसिड हैं, तो आप क्या करें, आप इनका जो फर्स्ट लेटर है वो याद कर लीजिए, S फॉर सीरीन, C फॉर सिस्टीन, Y फॉर टायरोसिन, इसमें T नहीं आएगा, ये Y से डिनोट होता है, विच इज द सेकेंड लेटर, राइट, एंड ग्लूटामिक एसिड इज E,
तो हम क्या करें, इसको एक पर्टिकुलर वर्ड से याद कर लें, दैट इज स्काई, एस सी वाई ई, इसको भी हम स्काई ही पढ़ेंगे। अगर आप कभी प्रोनाउंस करके देखें इसको करेक्टली, तो इसको भी स्काई ही पढ़ा जाएगा। तो कोई अगर आपको इतना डायग्राम दे दे और आपसे पूछ ले कि ये चारों कौन कौन से अमीनो एसिड्स हैं, तो आप इनको आसानी से याद कर सकते हैं। सिर्फ एक वर्ड याद रखना है, दैट इज स्काई, दैट इज सीरीन, सिस्टीन, टायरोसिन एंड ग्लूटामिक एसिड। ओके, सो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम नहीं है, लेकिन कुछ भी स्किप नहीं कर सकते, इसलिए मैंने आपको बताना ज़रूरी समझा। अब बात करते हैं क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर की। सम प्रोटीन्स असेंबली ऑफ मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड और सब यूनिट। जब एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड यूनिट अरेंज हो जाए एक दूसरे के साथ, जिन्हें हम सब यूनिट कहते हैं, राइट। क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर अलग अलग तरीके के पॉलीपेप्टाइड यूनिट्स के कॉम्बिनेशन से बनती है, और उस पॉलीपेप्टाइड यूनिट्स की एक कॉम्बिनेशन को हम बोलेंगे सब यूनिट। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक अल्फा हेलिक्स ली, एक बीटा प्लेटेड शीट ली, और एक मैंने कोई सिंगल स्ट्रक्चर ले लिया, लीनियर स्ट्रक्चर ले लिया, यानी कि प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो इन तीनों चेन्स के कॉम्बिनेशन से जो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर बनेगा, यानी कि इसमें मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड यूनिट्स हैं अलग अलग तरीके की, तो इससे क्या बनेगा, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर बनेगा। ओके, तो इसमें अल्फा होगा, ये भी एक सब यूनिट है, बीटा प्लेटेड भी एक सब यूनिट है, और ये जो सिंपल सा हमारा लीनियर स्ट्रक्चर है, ये भी एक सब यूनिट है। तो एक पर्टिकुलर क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में कंट्रीब्यूट करने वाले अलग अलग पॉलीपेप्टाइड यूनिट्स को हम बोलते हैं सब यूनिट्स। ओके, उन्हें हम बोलेंगे सब यूनिट, और अलग अलग तरीके की जो चेन्स है पॉलीपेप्टाइड, वो कंबाइन होकर बनाएंगे क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अडल्ट ह्यूमन हेमोग्लोबिन की अगर बात करें, अडल्ट वर्ड रखना याद रखना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, फीटल हेमोग्लोबिन जो होता है उसकी कंस्टिट्यूएंसी थोड़ी अलग रहती है। तो अडल्ट हेमोग्लोबिन की अगर हम बात करें, तो इसमें चार सब यूनिट होती हैं, चार सब यूनिट मतलब चार तरीके की पॉलीपेप्टाइड चेन्स बनेंगी। उन चार चेन्स में से दो होती हैं अल्फा और दो होती हैं बीटा, ये याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हम जब ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर पढ़ेंगे, उस टाइम पे भी हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा उसको समझने में ड्यूरिंग चैप्टर रेस्पिरेशन। ओके, तो ये जो सब यूनिट है जो बनेंगी, चार तरीके की सब यूनिट है हेमोग्लोबिन में, अडल्ट ह्यूमन हेमोग्लोबिन में, उनमें से दो अल्फा हैं और दो बीटा हैं। अब एक बार हम थोड़ी बाहर की बुक्स का ओवरव्यू लेते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ अरेंजमेंट्स, राइट। तो अभी हम समझते हैं पहले, दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ अमीनो एसिड। ये अमीनो एसिड हैं सारे के सारे, ओके, दीज आर अमीनो एसिड। अलग अलग तरीके के अमीनो एसिड्स होते हैं, कोई लाइसिन है, कोई ग्लूटामिन है, कोई ग्लाइसिन है, एलेनिन, वेलाइन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, मिथायोनिन, सिस्टीन एंड फिनाइल एलेनिन, काफ़ी सारे अमीनो एसिड्स होते हैं, राइट। सो प्राइमरी प्रोटीन स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, सिक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। ये कुछ नहीं है, जस्ट अ सिक्वेंस, लीनियर सिक्वेंस, और थोड़ा ऐसा ऐसा जो सिक्वेंस है अमीनो एसिड का, उसे हम कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। वो प्राइमरी स्ट्रक्चर जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाएगा, तो दो तरीके के स्ट्रक्चर बना सकता है। एक तो हमने देखा राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट, दीज आर लुकिंग लाइक शीट्स, राइट। सो दीज आर द टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स, एक है अल्फा हेलिक्स और दूसरा है बीटा प्लेटेड शीट। तो ये था प्राइमरी स्ट्रक्चर, इसके बाद हम पहुंच गए सेकेंडरी स्ट्रक्चर पे, ओके। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज कौन करता है, हमेशा याद रखना, हाइड्रोजन बॉन्ड। प्राइमरी स्ट्रक्चर है तो इसमें तो सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड्स होंगे, इनमें ऑब्वियसली पेप्टाइड बॉन्ड्स तो होंगे ही, क्योंकि ये भी अमीनो एसिड से ही बने हुए हैं, लेकिन इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होगी। इसके बाद क्या करते हैं, ये पर्टिकुलर जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स हैं, इनके बाद एक और लेवल आता है, दैट इज टर्शियरी स्ट्रक्चर। जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर अपने ऊपर ही कॉइल हो जाती है, तो थ्री डायमेंशनल फोल्डिंग बनती है, एक थ्री डायमेंशनल फोल्डिंग पैटर्न ऑफ अ प्रोटीन ड्यू टू चेन इंटरेक्शन। जब अलग अलग तरीके की चेन अपने ऊपर ही फोल्ड हो जाती हैं, तो एक थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाती हैं जो कि बायोलॉजिकली एक्टिव होता है, दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज नोन एज टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। उसके बाद अलग अलग तरीके की पॉलीपेप्टाइड चेन्स, यानी कि सब यूनिट्स, जब ऐड हो जाएंगी किसी पर्टिकुलर प्रोटीन पे, तो वो बनाएंगी कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, एंड दिस इज नोन एज द क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। ये है क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर, ओके। सो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन वन अमीनो एसिड चेन, यानी कि मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन जब सेम काइंड या फिर डिफरेंट काइंड की एक दूसरे से मिलेंगी, तो वो एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगी विच इज फॉर्म्ड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सब यूनिट, जिसे हम बोलेंगे क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंट स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोटीन। तो प्रोटीन में हमने सबसे पहले लेक्चर में पढ़ा था अबाउट अमीनो एसिड्स, दूसरे में हमने पढ़ा पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन एंड जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन्स, और इस बार हमने पढ़ लिया सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशन लेवल ऑफ प्रोटीन्स।
तो बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर में प्रोटीन्स हमारा खत्म हो चुका है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स या लिपिड्स, जैसा भी एनसीईआरटी में दिया होगा उस पर्टिकुलर सीक्वेंस में, और वहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में भी एक पर्टिकुलर लेक्चर दिया हुआ है। सो हो सकता है कि हम वो भी डिस्कस करें। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई देन हिट लाइक बटन, अपने दोस्तों को ये वीडियो दिखाइए, मेरे चैनल के बारे में बताइए, और अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं देन प्लीज़ हिट सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज़।